वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड, शहनाज गिल की हौसला रख आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है, और दिन बचे हैं बहुत ही कम, बहुत ही कम। जी हाँ, लेकिन फैंस के एफर्ट्स अगर हम आपको बताएंगे तो आंसू छलक आएंगे आपकी आंखों से। जी हाँ, ऑब्वियसली ये मजाक नहीं है, ये खुशी है। शहनाज गिल के फैंस ऑन अ सीरियस नोट ऐसी चीजें कर रहे हैं जो किसी के फैंस नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। इतने एफर्ट्स नहीं डालते हैं। जब बड़े से बड़े स्टार की मूवी आती है ना, तो आप लगा लीजिए एक ट्रेंड मुश्किल पड़ जाता है। रुको रुको, मैं ट्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। हम बात कर रहे हैं, शहनाज गिल के फैंस ने इनिशिएट लिया है, जो विदेश से हैं, बाहर से हैं, इंडिया से नहीं हैं, या जो इंडिया से भी हैं और जो लोग कर सकते हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि शहनाज गिल की हौसला रख। और उनका ये कहना है कि हमारी बच्ची की, हमारी बेटी की, हमारी बहन, दोस्त, व्हाटएवर, जो भी हमारा स्टार, जैसा भी वो मानते हैं, उन लोगों का कहना है कि उसकी फर्स्ट ड्रीम प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी फर्स्ट मूवी आ रही है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत लोग देखने जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देखना तो चाहते हैं, इच्छा तो रखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पॉकेट पे थोड़ा सा थिएटर जाना, पीवीआर जाना, भारी हो जाता है, समटाइम्स नहीं हो पाता है, तो कोई भी रीज़न हो, तो वो लोगों का ये कहना है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पेजेस से जो है संपर्क किया है, और उन लोगों ने कहा है कि हम जो है अपनी तरफ से 100 पीआर टिकट्स, पीवीआर टिकट्स, और जो है 200, 400, सब ने अपना अपना जिसका जितना भी कर पा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं कि वो लोग सिर्फ जाएं, हम बुक कर देंगे टिकट्स, और वो लोग जाएं थिएटर में बैठें और मूवी देखें और बाकायदा निकल आएं। तो जी हाँ, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं फैंस, और हो रही हैं, और हम आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। एक बात आपको और बताते हैं, ये तो वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी क्षमता के अनुसार बहुत ही बड़े पैमाने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से एक छोटी सी चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि हम में से जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं और इनिशिएट कर सकते हैं, तो हम सभी शहनाज के फ़ैन हैं, शहनाज के फ़ैन हैं, हम सब शहनाज को चाहते हैं। वो सामने कब आएगी, वो कब स्ट्रांगली खड़ी हो पाएगी, वो अच्छी तो है, वो ठीक तो है, यानी हमेशा चिंताएं, तो वो सब करना अपनी जगह है, लेकिन हम प्रैक्टिकली उसकी क्या मदद कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। तो मेरा ये मानना है कि हम में से हर एक को जो अफोर्ड कर सकता है अपने अलावा, एक एक दो दो, सिर्फ एक एक दो दो भी ऐसे लोगों को फैंडम में ढूंढना, हम सब लोगों के पास सोशल मीडिया पेजेस हैं, तो ऐसे लोगों को देखना कहीं से भी कठिन चीज़ नहीं है। पेजेस के नीचे लोगों ने कमेंट किए होते हैं कि भाई हम देखना तो चाहते हैं लेकिन नहीं जा सकते, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ उन लोगों के लिए बुक कीजिए, एंड दैट्स इट, वो चीज़ें हैं। तो आप एक एक दो दो लोगों के लिए अपने लेवल पर जितना आप कर पाएँ, हौसला रख कि जो टिकट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एंड ये अगर हम एक एक दो दो लोग भी करते हैं तो करोड़ों का फैंडम है, तो बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, और बहुत बड़े लेवल पे काम करेगा। तो ज़रूर कीजिए, हमारी यही राय है आपके लिए, और जितना हम अपने लेवल पे कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे। और अभी के लिए टिल देन बाय, लव यू ऑल। कमेंट में बताइए आपको ये सब सुनकर कितना अच्छा लगा कि फैंस ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, और आप अपने लेवल पर क्या कुछ कर रहे हैं वो भी शेयर कीजिएगा। शायद कुछ और अच्छा आइडिया मिल जाए, और आपके पास कोई और बेहतर आइडिया है शहनाज को इस तरह से हम अपना प्यार दिखा सके, तो वो भी कमेंट में मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे भी बेहतरीन वीडियोज़ को देखने के लिए। टिल देन बाय।